दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं फिर बताऊँगा कि पहले मैंने वीडियो दिया था कि महादेवा घाट का काम, जो गंगा का लेवल बढ़ने की वजह से महादेवा घाट का काम बंद हो गया था। अभी जो गंगा का पानी का लेवल जो है कि डाउन हो गया है, इस वजह से महादेवा घाट का काम चालू कर दिया गया है। ये बहुत तेज़ी से काम चालू किया जा रहा है ताकि इस साल ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इंटेक है, यहाँ से पानी जो है कि हमारा पावर प्लांट में सप्लाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैचिंग प्लांट भी बना है ताकि यहाँ का जो भी स्ट्रक्चर का काम हो तो यहीं से कॉन्क्रीट ईजिली ली जा सके। नहीं तो पावर प्लांट से अगर हम कॉन्क्रीट मंगाएंगे वहाँ से बैचिंग प्लांट से तो काफ़ी लंबा पड़ जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पावर प्लांट है वहाँ से महादेवा घाट की डिस्टेंस लगभग 5 से 7 किलोमीटर पड़ जा रही है। ये जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर से 1 किलोमीटर और आगे जाने पे बक्सर की तरफ ये जो है कि इंटेक बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये बैचिंग प्लांट पर भी अभी काम चल ही रहा है। लगभग हमको लग रहा है कि 20 से 25 दिन में बैचिंग प्लांट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो मटेरियल है, मटेरियल स्टैकिंग का भी काम किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, एक टेम्प्रोरी शेड का भी व्यवस्था किया गया है ताकि यहाँ पे स्टाफ वगैरह, देखिए यहाँ पे सैंड वगैरह स्टैक कर दी गई है। सैंड पिछले बरसात से, पिछले टाइम का ही यहाँ पे स्टैकिंग की गई थी और अभी जो है कि सैंड सप्लाई का काम भी चालू कर दिया जाएगा। जो हमारा 1020 एग्रीगेट है ये काफ़ी मात्रा में लाई जा चुकी है और अभी और जो है कि सप्लाई का काम चल रहा है। चलिए आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इंटेक का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो हमारा जो वाटर को इंजेक्ट करेगा, वाटर को इंजेक्ट करके पावर प्लांट में सप्लाई करेगा, वो कहाँ से कहाँ तक काम पहुँचा हुआ है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वो स्ट्रक्चर कितना हो पाया है, कितना काम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये पावर प्लांट 10 दिनों के लिए स्ट्राइक था। स्ट्राइक में किसान लोगों ने स्ट्राइक करवा दिया था, मजदूरों ने, कुछ मजदूरों की डिमांड थी, वो स्ट्राइक कंप्लीट कर ली, ख़त्म करके फिर से काम चालू कर लिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटेक पे जो स्ट्रक्चर बनना था वो स्ट्रक्चर का काम चालू कर दिया गया। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट फाउंडेशन का काम कम्प्लीट कर लिया गया और सब स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। फाउंडेशन के ऊपर जो काम है वो बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो राफ्ट है, मेन पोर्शन राफ्ट भी कंप्लीट कर लिया गया और उसके ऊपर का स्ट्रक्चर किया जा रहा है चालू। देखिए अभी वर्कर लगे हुए हैं, अभी धीरे धीरे ये काम फ्लो में आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये काम युद्ध स्तर पे चालू कर लिया जाएगा और इस साल ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तैयारी में जुड़ गए हैं सभी लोग। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि जो मेन स्ट्रक्चर बन रहा था इंटेक का, जिससे पानी इंजेक्ट की जाएगी, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी में डूब गया था, उसकी कैसी कंडीशन है अभी। देखिए दोस्तों, ये वही लोकेशन है, आपको स्टील स्ट्रक्चर वगैरह सब दिख रहे होंगे, स्टील अभी बस दिख रही है, बाकी उस सभी के ऊपर मड पूरा तरह से कवर कर लिया है। मेरा पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है और अभी देखिए कैसा स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा मिट्टी चढ़ गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नदी में बाढ़ आया था, वो बाढ़ की वजह से पूरा मिट्टी का लेवल ऊपर तक चला गया था और स्ट्रक्चर पूरा ही मिट्टी के अंदर दब गया है। देखिए ये स्ट्रक्चर जो ऊपर रह गया था, इस पर पानी नहीं चढ़ा था, इस वजह से ये थोड़ा सेफली बचा हुआ है। ये पोर्शन काफ़ी डाउन पोर्शन है, ये डाउन पोर्शन में स्टील बस दिख रही है और बाकी स्ट्रक्चर का जो जितना पोर्शन था पूरा पानी और मिट्टी से दब गया है। मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था। देखिए अभी गंगा का लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, लेकिन मिट्टी शिफ्टिंग और फिलिंग का काम चल रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे लेके चलकर, जहाँ पे मिट्टी कटिंग का काम चल रहा है। ये जैसा कि कटान देख पा रहे हैं, ये गंगा का लेवल बढ़ने से कटान कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, यहाँ पे मिट्टी का लेवल हाई था। लेकिन देखिए दोस्तों, डंपर लगे हुए हैं, पोकलेन लगा है, जेसीबी लगा है, यहाँ पे मिट्टी कटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे मिट्टी जो स्ट्रक्चर के ऊपर आ गई है, ये मिट्टी को रिमूव किया जाएगा और फिर स्ट्रक्चर को चालू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कैसा कंडीशन हो गया है, यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन अभी देखिए ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये अभी थोड़ा सा बच गया है। देखिए दोस्तों, ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया है, पहले इसमें बहुत अच्छा सा काम चल रहा था, लेकिन ये गंगा का स्तर बढ़ने से पूरा पानी में
जो मतलब फ्लड आने की वजह से पूरा पानी कवर कर लिया था, पूरा स्ट्रक्चर सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर डूब जाने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ था। लेकिन अभी गंगा का स्तर डाउन होने की वजह से काम चालू कर लिया गया है और इसको जो मड है स्ट्रक्चर के ऊपर से रिमूव किया जाएगा और इसको काम को बहुत तेज़ी से किया जाएगा ताकि ये प्रोजेक्ट को इस साल कम्प्लीट किया जा सके। अभी यहाँ पे मिट्टी फिलिंग का भी काम चालू होगा, वो बाहर से मिट्टी लाई जाएगी और यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बनाया जाएगा ताकि ये पानी का लेवल फिर बढ़ने से ये स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट ना पड़े। मैं इस पे नया वीडियो फिर लेके आऊँगा जब ये बॉन्ड को बनाया जाएगा, बाहर से मिट्टी फिलिंग का काम चालू किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो मिट्टी स्टैक है, यहाँ पर मिट्टी को कटिंग करके अपना सराउंडिंग एरिया में डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर पोकलेन और डम्फर और जैसे भी काम में जुट गए हैं, ये काम दो लगभग विद इन वन मंथ बहुत काम तेजी से स्पीड में पकड़ लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे जब हम आएंगे तो नया अपडेट लेके आएंगे।